गुना से हमारे संवाददाता रामचरण जटिया की रिपोर्ट। सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, कैंट पुलिस की छापेमारी और 5 गिरफ्तार, आरोपियों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने 3 ठिकानों से 4 महिलाएं और दलाल को किया गिरफ्तार। बाहर से लाई गई 2 युवतियों को भी बरामद किया। इस दौरान धरपकड़ के दौरान एक अड्डे पर पुलिस पार्टी पर हमला भी किया गया। सूत्रों के मुताबिक कैंट पुलिस ने कुछ दिन पहले एक नाबालिग का अपहरण के बाद उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में उतारने के मामले में खुलासा किया था। पुलिस ने एजेंट आकाश ओझा और अड्डा संचालक मेनका भार्गव को रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान कुछ अड्डों की जानकारी दी गई और नाबालिग बच्ची से भी कई अहम जानकारियां मिली। पुख्ता जानकारी के आधार पर गुलाबगंज में बर्खास्त आरक्षक दुर्ग विजय सिंह के घर छापा मारा गया। उसकी पत्नी ने पुलिस से विवाद भी किया और हाथापाई भी की गई। घर की तलाशी के दौरान राजस्थान से लाई गई युवती बरामद की गई। सागर से हमारे संवाददाता कृष्णकांत नगाइच की रिपोर्ट। सागर, देवरी कला में सीमेंट मिक्सर और कार की टक्कर से 2 लोगों की मौत, 1 गंभीर। घटना देर रात की है। कार और मिक्सर की आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई, जिसमें कार में बैठे 3 लोगों में से 1 व्यक्ति की कार में फंसने से मौत हो गई और 1 व्यक्ति को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया और 1 व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी है। इस भयानक एक्सीडेंट में मिक्सर पलट गया, इसके ड्राइवर और क्लीनर दोनों भाग गए। कार में 2 लोग ग्वालियर के थे और 1 पंजाब का रहने वाला था। कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, जिसमें बैठे 1 व्यक्ति को गैस कटर से काटकर निकाला गया। उड़ीसा से महाराजपुर के रास्ते दिल्ली तक गांजा ले जाते हुए 2 युवकों को महाराजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी कार से ले जा रहे थे गांजा। पुलिस ने 108 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान पता चला कि एक इंजीनियर है। गांजे के साथ गाड़ी और MP और आंध्र प्रदेश की 2 नंबर प्लेट भी जब्त की गई है गाड़ी में से। आरोपियों के नाम अरविंद बेहरा और प्रकाश चंद, दोनों आरोपी उड़ीसा के हैं। इनमें से एक आरोपी अरविंद मैकेनिकल इंजीनियर है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। कितना पैसा? पुलिस अधीक्षक महोदय सागर को मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि उड़ीसा से एक कार में एक बड़ी खेप में गांजा का परिवहन हो रहा है। इस सूचना पर SDOP देवरी श्री अजीत पटेल और थाना प्रभारी महाराजपुर श्री बेहरा, इनको लगाया गया था। इनके द्वारा रात भर जो है वहां पर चेकिंग की गई और बड़े लंबे इंतजार के बाद एक सियाज गाड़ी, जिस पर एक फेक नंबर प्लेट लगी हुई थी, वो आई और संदेह होने पर इन लोगों के द्वारा उसको चेक किया गया। उस गाड़ी में बड़े बड़े 32 पैकेट्स में गांजा था। चेक करने पर जब गांजे की पुष्टि हुई तो उसे जब्त किया गया है। इसमें गाड़ी सहित और माल सहित दो लोगों